अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है? अल्लाह का करम है। कहाँ से आई साहब? महाराष्ट्र, इंडिया, महाराष्ट्र माशाल्लाह, सोलापुर से, सोलापुर से। माशाल्लाह माशाल्लाह, कौन से टूर से? मीज़ान टूर, अलहमदुल्ला, पुणे। माशाल्लाह भाई साहब, आपका अभी सफ़र अलहमदिल्ला पूरा होते आया है, जी हज का सफ़र जी 2024, और आप अभी मदीना में हैं अलहमदिल्ला। जी तो आपसे ये फीडबैक लिया जा रहा है हज के सफ़र के बारे में, जी तो ये बताइए कि ये जो आपका सफ़र गुजरा अलहमदिल्ला, अभी जो 1 महीने से ज़्यादा आप रहे मिजान के साथ में सफ़र में, सर्विसेज कैसी लगी आप? अलहमदुल्ला, बहुत सर्विस अच्छी रही। दो माशाल्लाह भाई, इन्होंने खिदमत अंजाम अच्छा दिया, माशाल्लाह और घर के जैसा महसूस हुआ। खाना, फैमिली, जी, एकदम कुछ कमी महसूस नहीं हुई। जहाँ भी कुछ कम पड़ा तो उन्होंने उसके एडजस्टमेंट किए, और उनके हिसाब से उन्होंने जो आराफात का मैदान है, जी बाद में जो मीना मीना का, मीना में बाद में जी शैतान को कंकर मारने जाते हैं, जमरात, अच्छा और मक्का के अंदर जो एक सही ये करते ना, काबे का जियारत, तवाफ करते, जियारत करते, अच्छा उनकी तवाफ जियारत, जिम्मेदारी, तवाफ जियारत, जी उनकी जी जिम्मेदारी लेकर उन्होंने जी पूरा सही तरीके से अंजाम दिया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बहुत खुश हैं कि माशाल्लाह सही चुने, हमने फैसला किया कि मीज़ानपुर से हमारा सफर अच्छा होगा। माशाल्लाह अभी कल इंशाल्लाह हमारी रवानगी है, माशाल्लाह, कल रवानगी है। तो इंशाल्लाह। ओवरऑल जैसे जो मक्का की होटल बोली गई थी, जो नज़दीक की होटल, और हाँ मदीना की जो होटल बोली गई थी, वैसी होटलें और वही नाम की होटलें आपको मिली कि आपको जो हाँ ब्रोशर में दिया गया था? जो शेड्यूल्ड बताया गया था वही शेड्यूल्ड मिला है। माशाल्लाह तुम्हारे इसके अंदर, मक्का के अंदर हरम शरीफ के बाजू में अंजुम होटल, अंजुम बढ़िया से होटल, बढ़िया अंजुम होटल, जी अंजुम होटल, बढ़िया से बढ़िया खाना था, इंतज़ाम माशाल्लाह अच्छा था, और हरम शरीफ में 100-200 फीट का भी फासला नहीं था जी अंजुम होटल का जी रास्ता तय। 5 टाइम नमाज अंजुम होटल में पढ़ने जैसा अच्छा ताज्जुद के माशाल्लाह साथ था। माशाल्लाह और यहाँ पर भी कैस्टले होटल जो है, जिस शेड्यूल में है, जी वही हरम के नजदीक एकदम 309 नजदीक गेट के बाजू में, जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी इंतजाम हुआ यहाँ पे खाने वहाँ का, तो पे कुछ खाने का खाने जी, का कुछ भी टेंशन नहीं है, अच्छा खाने का माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम हुआ। हम तो बोल रहे हैं हमारे सब पूरे जो हाजी हैं, जी, 49, हाँ वही भी सब खुश है, हमारे में इत्तेफाक है पूरा, माशाल्लाह, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। इबादतें वगैरह सब हुई पूरी जैसे आप चाहते थे? पूरा अरकान अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कमियां महसूस हो गई तो पूरा किए, कुबा माशाल्लाह की ज्यारत कराए, जी कुबलतैन मस्जिद की ज्यारत कराए, जी बाद में देखो हमारा जंगे मैदान में ले जाए, अच्छा, कोई टूर जंगे वाला जंगे नहीं ले बदर, जाए, अच्छा जंगे बदर की जंगे बात कर रहे बदर हैं जो है, जंगे मैदान, बदर मैदान बोलते उसको, जी तो उधर ले जाए, कोई टूर वाला नहीं ले जाता, मगर उन्होंने लेके गए। माशाल्लाह और हम मदीना की भी सफर ज्यारत कराए, जी, पूरे जहाँ पे जो तारीखी है, मकाम आते हैं मकामत है वहाँ पे, के वो माशाल्लाह, पहाड़ पे, और हमदर जलाल तालों के अच्छा माशाल्लाह, मज़ार पाक पे भी गए, शोदा माशाल्लाह शोधाई के, यानी अच्छा लगा, पूरा जी इंतज़ाम अच्छा हुआ। खाने का भी इंतज़ाम करते थे गाड़ी में, पानी का भी, फ्रूट जी का भी, अल्लाह का करम है। अल्लाह जी ताला मीज़ान टूर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन और हमें भी और आपको भी अमन के साए में रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इतना अच्छा जी बोल कर साहब, इसके जी, अलावा कुछ कोई दिक्कत परेशानी कुछ ऐसा सफर में कुछ ऐसी कभी पेश दिक्कत आई तो कुछ भी आपके? नहीं है, देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को दिक्कत कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं है, एकदम माशाल्लाह घर के जैसा। हमारे बच्चे ने बोले सही सुना, बोले हाँ जो अल्लाह का एहसान है। अल्लाह अच्छा का अच्छा अब इंडिया में शुक्र, जाके अपने दोस्त अहबाब को मीज़ान टूर रिकमेंड करेंगे हज के लिए, उमरा के लिए? जी इंशाल्लाह जरूर। हम तो पूरी पक्की मालूमत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे, जी हमारे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सबको हम हमारी मालूमत देंगे। जी माशाल्लाह, हाँ जजाकल्लाह खैर हाजी साहब, सलाम हाँ वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।